आप 121 का सीकर टॉपर थे लास्ट में, जेई मैन, आप सीकर के पूरे पूरे इंडस्ट्री को टॉप किया था आपने। सबसे अच्छे बच्चे मुझे लगता है, लगाव है, लगता है कि ये, मेरे को दिल से लगता है कि ये बच्चे बहुत आगे जाए। नमस्ते बॉस और नमस्ते मम्मी पापा और जितने भी मेरे गार्जियंस हैं। मैं भी 11th में दीदी के साथ ही गया था। पहले तो मेरा फिक्स नहीं था कि CLC जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि CLC में IIT थोड़ा सा वीक है, लेकिन फिर दीदी के साथ साथ मैं भी CLC में चला गया 11th में। हमारा 11th मेरे को एडमिशन हुआ था दोनों का। फिर जैसे 11th में इतना कुछ खास था नहीं मेरा मतलब बताने को, लेकिन 12th में काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी और टीचर्स ने भी काफ़ी कुछ सपोर्ट करा। 12th और 11th में मैं बहुत बिजी में रहता था। वैसे साइंस सर और अंकित सर ने भी काफ़ी कुछ सपोर्ट करा 12th के अंदर, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन DTS वगैरह। और बोर्ड के लिए भी जैसे मैं 12th में जब स्टार्टिंग में गया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता होती थी कि प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, बोर्ड्स कैसे होंगे, लेकिन जैसे जैसे फिर आगे प्रोग्रेस करता गया तो पता चलने लग गया कि बोर्ड में ज़्यादा कुछ टेंशन होता नहीं है। फिर 12th में मेरा मेंस के साथ मेंस दो बार हुआ था 12th के अंदर, तो फर्स्ट टाइम तो कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं था, लेकिन सेकंड टाइम मैंने कुछ काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी और उसमें मेरा 1015 रैंक था सेकंड टाइम जेई मेंस। आप टॉपर सीकर टॉपर थे, आप सीकर रिजल्ट टॉपर थे, आप सीकर, आप सीकर शहर के जेई मैन के 2020 इसके टॉपर भी सुनते हैं, 20 में टॉपर। हाँ 19 में वो फिर मेरा एडवांस थोड़ा सा ख़राब हो गया था, उसमें मेरी 2772 रैंक थी। फिर ठीक है, मैंने काउंसलिंग वगैरह 10-15 दिन तो घर पे था, फिर मैंने सोचा कि फिर मेरे को 2772 पे IIT रुड़की में मैकेनिकल मिल रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने एक दिन शाम को मम्मा को बोला कि मुझे रिपीट करना है, तो मम्मा ने भी ऐसे बोला कि दीदी से बात कर ले। दीदी ने बॉस से पूछा तो बॉस ने बोला हाँ आ जा। फिर हम उस दिन विजय उत्सव में गए थे, फिर वहीं पर सामान लेके शिफ्ट हो गए उस दिन। तो इस बार मैं हॉस्टल में था, उस बार हॉस्टल में स्पेशली काफ़ी सारा थैंक्स राम स्वरूप जी को, काफ़ी सारी हेल्प करी। 2 साल तो हो गए थे तो ऐसे कुछ सब कुछ फ्रेंड्स ही थे, तो ऐसे कुछ अनजान नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी सपोर्ट था राम स्वरूप जी का, काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर माहौल था अभी बिल्डिंग में। तो फिर जैसे 12th में मेंस था, फर्स्ट मेंस था, उसमें मेरी 99.987 परसेंटाइल थी। फिर कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ और हम सब घर पे आ गए थे। फिर ऑनलाइन भी स्टार्टिंग में तो जैसे काफ़ी ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स आती थी कि अचानक से एक बार स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ सेटअप हो गया और जैसे मेंस हुआ था उसमें मेरी 121 रैंक थी उस टाइम पे। आप 121 का सीकर टॉपर थे लास्ट में, जेई मैन, आप सीकर के पूरे पूरे इंडस्ट्री को टॉप किया था आपने। और फिर एडवांस थोड़ा सा वीक हुआ था, लेकिन हो गया 998 रैंक एडवांस। मैं शायद ये चाहता हूँ लॉकडाउन ना लगता तो तेरे रैंक थोड़ी, मतलब मैं ये मैसेज मैं चाहूँगा आप भी मैसेज दें कि आज भी लॉकडाउन लग रहा है, बहुत से बच्चे अभी घर बैठे, उनको आप क्या करना चाहिए, घर रहना चाहिए सीकर जाना चाहिए उनको? अभी अगर आप 12th वाले तो पास हो ही गए तो आप सीकर ही चले जाएँ, क्योंकि घर से ज़्यादा पढ़ाई तो वहीं पर होगी हॉस्टल में। एक तो सेम टू सेम सारे बच्चे मिल जाएंगे आपको, डाउट्स वगैरह क्लियर के लिए टीचर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, और दूसरा है कि पैनिक नहीं है, क्योंकि आपने लॉकडाउन को फेस किया है, इन्होंने फेस नहीं किया लॉकडाउन को, आपने फेस किया लॉकडाउन को। भाई मैं निखिल की बात को इस तरह करना चाहता हूँ कि अभी जो 2021 के प्लेयर हैं, हो सकता है 22 के जो प्लेयर हैं वो घर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो 21 के प्लेयर हैं वो चाहे नीट या JEE के हो, ऑफलाइन क्लासेज कहीं क्लासेज नहीं है, लेकिन दोस्तों सीकर बच्चा मूव कर रहा है, बच्चा सीकर में आ गया है, ऑफलाइन डाउट काउंटर भी हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बच्चों को ऑपरेट कर रहे हैं, तो सारी व्यवस्थाएं वहां मिल रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा जो भी इस समय नीट 2021 के प्लेयर है वो अपने बिस्तर पैक करके, जैसे ये मेरे पीछे कलाकार बैठे, इसको कल मैं यहाँ से बता दिया भाई तेरे को DCM के टेस्ट जो है वो CLC देने, तो यहाँ कह दिया तो मुझे पता है कल पहुँच जाएगी और मान के चलना कि ये रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज का लाइव जैसे गिरधारजी भाई साहब ने कहा कि मेरा सपना है कि मेरे परिवार से कोई बच्चा IAS बने, अपने कलेक्टर बने, वो सपना 100 पूरा होगा दोस्तों। माता पिता के दिमाग में बात आती है तो ईश्वर वो बात देता है, ईश्वरी बात देता है, ईश्वरी बात को पूरी करता है, वो सब कुछ करने वाला, विचार देने वाला वो है, विचार को कंप्लीट करने वाला हम तो निमित्त मात्र होते हैं।